कछवा राजकीय बीज भंडार पर किसानों को दाम से अधिक रुपए लेकर गेहूं का बीज देने का किसानों का आरोप। कछवा नगर पंचायत स्थित राजकीय बीज भंडार पर किसानों को गेहूं की बुवाई के लिए सरकारी बीज दान से अधिक मूल्य लेकर किसानों को बीज देने का आरोप किसानों ने एडीओ एजी विजय प्रताप और प्रभारी धीरेंद्र यादव पर लगाया है। कुछ चहेतों किसानों को ही बीज उपलब्ध और सही रेट पर देने का भी आरोप लगाया है, जिससे आम किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान प्रतिदिन कृषि विभाग कार्यालय में बीज लेने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन बीज पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। इस कारण किसानों को घंटों लंबी लंबी कतारों में खड़ा रहने को मजबूर होना पड़ता है। इसके बावजूद उनको एक बैग बीज वह भी दाम से अधिक पैसा देकर ही मिल पाता है। राजकीय बीज भंडार पर बोर्ड लगा है, पर उस पर कुछ नहीं लिखा गया, ना तो स्टॉप ही लिखा गया है, ना रेट ही डाला गया है। सवाल पूछने पर प्रभारी धीरेंद्र यादव ने बताया कि एडीओ एजी विजय प्रताप ने लिखवाया था, लेकिन मिट गया है। धीरेंद्र क्या नाम है और किस पद पे है आप? धीरेंद्र कुमार यादव, प्रभारी राजकीय कृषि बीज भंडार कछवा। यहाँ पे आने के बाद पता चला बोर्ड पे आपके यहाँ लिखा रहना चाहिए कि कितना आपके यहाँ स्टॉक है, किस रेट पे आप दे रहे हैं, लेकिन बोर्ड पे कुछ लिखा नहीं गया है, क्या मतलब? तो बोर्ड पे लिखा गया था, वो खराब हो गया, उसको लिखवा दिया जाएगा एक दो दिन में। अभी आपके स्टॉक में कितना है, आपके यहाँ कितना स्टॉक है बीज का? लगभग किसानों को आप दे चुके हैं? लगभग 26 क्विंटल स्टॉक है, और लगभग मान के चलिए कि 300 क्विंटल गेहूँ दिया जा चुका है। 300 क्विंटल गेहूँ किसानों को अभी तक दे चुके हैं। 50% अनुदान पे। 50% अनुदान है, क्या रेट से आप दे रहे हैं? 3820 रुपये क्विंटल। 3820 रुपये क्विंटल। कैसे बोआ जाएगा ये, क्या वो है कुछ आप उसके विषय में बता दीजिए किसानों की? ये देखिए, तीन चार वैरायटी आई थी, DBW 222 जो अगेती वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी है, और उसके बाद करण वंदना एक बहुत लोकप्रिय वैरायटी आया था, वो भी बहुत अच्छा वैरायटी है। हाँ, दोनों की पैदावार लगभग 18 से 20 कुंटल प्रति बीघे है, बहुत अच्छी। कैसे इसको अगर किसान बोएंगे इसमें अच्छा, सबसे टाइमली समय गेहूँ के बीज में सबसे अच्छी बात होती है, दस अधिकतम अब 10 दिसंबर तक बुआई कर लेनी चाहिए किसानों को। भाई लेट तो आप बो सकते हैं, उसका बीज का मात्रा बीज दर थोड़ा बढ़ाते चलिए, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 10 दिसंबर तक अच्छा रहेगा अच्छी पैदावार लेने के लिए। क्या है किसान क्या लेकर आएगा आप यहाँ की, आप उनको बीज देते हैं? आधार कार्ड, बैंक पासबुक लेकर आएंगे, तो उनका वो पीएम किसान का जो पैसा जाता है उसमें एक पंजीकरण होता है, उस पंजीकरण के आधार पर इन्हें 50% छूट दिया जाता है। आधार कार्ड, बैंक पासबुक लेकर आएंगे, तो उनका वो पीएम किसान का जो पैसा जाता है उसमें एक पंजीकरण होता है, उस पंजीकरण के आधार पर इन्हें 50% छूट दिया जाता है।